जानते हैं कि पूरा हमारा भारत जो है वो राममय हो रहा है, और वही माहौल हमारे राशन गांव में भी सबके सहयोग से बन रहा है और बनाया जा रहा है। इसमें किसी बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं हो रही है, लोग सुनते हैं और आते हैं और हर जगह अपनी उपस्थिति देते हैं। इसी कड़ी में 1 तारीख को श्रीलंका से राम जी की चरण पादुका लेकर 35 लोग यहाँ आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और 2 बजे सुबह यहाँ पे राशन गांव में आएंगे दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में। तो मेरा सभी लोगों से विशेष अनुरोध है कि वो 10 बजे तक दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में पहुंचकर उस चरण पादुका का स्वागत करें, जो कि चूँकि राम जी का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में गुजरा है तो वह चरण पादुका भी उन स्थानों से होते हुए आगे जो है वो जाएगी। तो हमारा ये फ़र्ज बनता है और ये हमारा धार्मिक एक यहाँ का माहौल है, तो ये सारी चीज़ें हमें करने पे मजबूर होना चाहिए, करना चाहिए कि हम उस चरण पादुका को पूरे जोश और उत्साह के साथ, पूरे जन समूह के साथ उसका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो मैं सभी से आह्वान करती हूँ कि सब लोग दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में 2 तारीख को सुबह 10 बजे तक पहुँच जाएँ। संस्कारधानी राजनांदगांव में 20 जनवरी 21 जनवरी और 22 जनवरी को दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जो संध्या के समय में किया जाएगा, और इसमें हम सभी नगरवासियों को एकजुट होकर काम करना है, जिससे हमारी यह संस्कारधारी धारी नगरी दीप नगरी कहलाने लग जाएगी। और यह दीपोत्सव का जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें 3 लाख से लेके 5 लाख तक के दिए जलाने का यह कार्यक्रम रखा गया है, और यह कार्यक्रम 3 दिवसीय के से 4 दिवसीय होने की भी संभावना है। तो जन्मभूमि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का यह स्वर्णिम अवसर इस युग में हम सबके लिए स्वर्णिम काल है, और हम वो दृष्टा हैं जो हमारे 500 वर्ष से अनेक पूर्वजों ने अपने बलिदान दिया, और हम आज वो पीढ़ी हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। इसलिए जैसे भगवान राम वनवास से आए थे और भरत जी दीपावली उत्सव मनाए थे, अयोध्या को सजाए थे, उसी तरह राजनांदगांव के सभी संस्थाओं में से शनि मंदिर, शनि धाम, सतनाम सनातनी लोग, सभी लोग सभी मंदिरों में यह संकल्प लिए हैं कि 5 लाख दीपक 1 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक प्रत्येक घर में दीपावली मनाएंगे, और हम सब राम के काज को पूर्ण करेंगे, और यह दीपावली हिंदुस्तान के प्रत्येक घरों में जलेगा, जगमग ज्योत जलेगी, और भारत जो है जगमगता हुआ दिखेगा, राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम सब मिलकर अपने अपने घरों में दीपक सजाएं और राष्ट्र मंदिर के निर्माण में हम सब सहभागी बने।